डियर स्टूडेंट्स, ओपन द पेज नंबर 3. इंसर्टिंग कॉमास. द डिजिट्स इन अ नंबर कैन बी सेपरेटेड बाय पुटिंग कॉमास अकॉर्डिंग टू द पीरियड दे लाई इन. द डिजिट्स अंडर द सेम पीरियड आर रीड टुगेदर एंड द नेम ऑफ द पीरियड इज रीड अलॉन्ग साइड. से एन एग्जाम्पल बिलो फॉर द नंबर 6548317. अब देखो स्टूडेंट, इंसर्टिंग कॉमास में हमें क्या दिया है कि कॉमा हम क्यों देते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीरियड्स में कुछ नंबर्स सेट करने होते हैं हमें, अकॉर्डिंग टू पीरियड्स कुछ नंबर्स हमें क्या होते हैं उस पीरियड में फिक्स करने होते हैं, है ना. और उससे क्या होता है, हमारी रीडिंग क्या हो जाती है, सिंपल हो जाती है. इसलिए हम क्या देते हैं, कॉमा देते हैं. और कॉमा क्या सेपरेट करते हैं, नंबर्स की पीरियड सेपरेट करते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट पीरियड कौन सा होता है हमारा, वंस पीरियड. देन सेकंड थाउजेंड्स पीरियड. देन थर्ड लैक्स पीरियड. और फोर्थ करोड़ पीरियड होता है हमारे इंडियन न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग. ओके. सो फर्स्ट पीरियड में, वंस पीरियड में वंस, टेंस और हंड्रेड का प्लेस आता है. थाउजेंड्स पीरियड में थाउजेंड का और टेन थाउजेंड का प्लेस आता है. लैक्स में लैक और टेन लैक का प्लेस आता है. करोड़ में करोड़ का प्लेस हम अब सीख रहे हैं. ठीक है. सो इसको क्या बोलते हैं, पीरियड. सब देखो, ये जो थ्री नंबर्स हैं तो वो फर्स्ट पीरियड में आते हैं. देन ये 83 सेकेंड पीरियड में आता है. देन 54 थर्ड पीरियड में आता है. तो इसको हम कैसे रीड करेंगे स्टूडेंट्स, इट इज़ रीड एज 6 करोड़ 54 लाख 83,179. ओके. रीड दीज नंबर्स आफ्टर सेपरेटिंग द पीरियड्स यूजिंग कॉमास. अब देखो हम क्या करेंगे, पीरियड सेपरेट करेंगे. तो 1, 2, 3 आपको क्या, आपके लेफ्ट से जाना है. तो 1, 2, 3 नंबर्स के बाद फर्स्ट कॉमा देना है. मतलब हमारा वंस हंड्रेड एंड वंस टेंस एंड हंड्रेड का फर्स्ट पीरियड यहाँ पे कंप्लीट होता है. देन टू डिजिट्स के बाद कॉमा देना है. मतलब हमारा सेकेंड पीरियड यहाँ पे कंप्लीट होगा, थाउजेंड और टेन थाउजेंड का. देन फिर से टू नंबर्स के बाद आपको कॉमा देना है. बाद में ये नंबर क्या करना है, रीड करना है. ओके. सो द नंबर इट इज़ रीड एज 4,81,25,739. वैसे ही इस नंबर में करना है. 1, 2, 3 डिजिट के बाद कॉमा देंगे. देन 2 डिजिट के बाद कॉमा देंगे. ठीक है. सो इट इज़ रीड एज 82,82. बीच में नंबर से क्या नहीं है, है ना. सो वैसे हम इसको कॉमा से सेपरेट करेंगे. अब कॉमा कहाँ पे देना है आपको समझ में आ गया है ना. फर्स्ट पीरियड, वंस पीरियड कंप्लीट थ्री नंबर्स के बाद होता है तो उसके बाद कॉमा देना है. देन सेकेंड पीरियड थाउजेंड पीरियड कंप्लीट होता है तब उसके बाद कॉमा देना है. देन थर्ड पीरियड लाख का होता है उसके बाद कॉमा देना है. बाद में आपको नंबर्स की रीडिंग करनी है. ठीक है. सो इट इज़ रीड एज 4,57,21,105. ओके. रिमेंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर डिजिट इन अ नंबर इज गिवन बाय इट्स पोजिशन इन द नंबर. अब देखो स्टूडेंट्स, प्लेस वैल्यू हम कैसे डिसाइड करते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जो पर्टिकुलर डिजिट होता है उस नंबर में, जो कोई भी हो, उसकी पोजिशन पे उसकी प्लेस वैल्यू डिपेंड करती है. वो टेंथ प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है, थाउजेंड प्लेस पे है. जहाँ पे वो डिजिट जाता है अकॉर्डिंग टू प्लेसेस उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है. ओके. सो द प्लेस वैल्यू ऑफ फाइव इन 75,42,082 इज 5 लाख. अब इस नंबर में 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 5 लाख है, क्योंकि 5 लाख प्लेस पे है. 5 इंटू लैक किया तो 5 लाख होता है. ठीक है. एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8 इन 8,62,53,175 इज 8 करोड़. तो यहाँ पे 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, 8 करोड़ है, क्योंकि ये करोड़ प्लेस पे है ना. सो 8 इंटू करोड़ हमने किया तो 8 करोड़ मिलेंगे. ठीक है. आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. तो इस पे डिपेंड मैं आपको होमवर्क देती हूँ. तो देखो आपको क्या करना है, टेक आउट योर मैथ्स टेक नोटबुक एंड फर्स्ट यू हैव टू राइट क्लास वर्क. देन यू हैव टू राइट डेट एंड प्लेस वैल्यू एंड इंसर्टिंग कॉमास. ओके. ये हेडिंग आपको यहाँ पे बोल्ड हैंड राइटिंग में देना है. इसका, इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट निकाल लेना है. फाइंड द प्लेस वैल्यूज ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स. ये जो नंबर्स मैंने आपको दिए हैं, यहाँ पे कुछ डिजिट मैंने अंडरलाइन किए हैं, उनकी प्लेस वैल्यू आपको फाइंड आउट करने हैं. तो पहले आप करो, प्रॉपरली प्लेसेस लिख लो. अगर आपका कन्फ्यूजन हो रहा है तो थाउजेंड प्लेस, टेन थाउजेंड प्लेस, ओके, लैक्स, टेन लैक्स, ऐसे करोड़. और आप बाद में फोर इंटू जिस प्लेस पे वो नंबर है उतने आपको मल्टीप्लाई करने हैं और उसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है. अगर टेन लैख प्लेस पे तो टेन लैख से मल्टीप्लाई करोगे, करोड़ प्लेस पे है तो करोड़ से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा. ओके. सो इस पेज का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट निकाल लो. ठीक है. ये नंबर्स की प्लेस वैल्यूज आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है. साथ में आपको जो हमारा टेक्स्ट बुक पेज नंबर 4 पे ये क्वेश्चन दिया है, सेपरेटिंग द पीरियड्स यूजिंग कॉमास, ये
जो नंबर है वो सेपरेट करने हैं कॉमा देके, और उसको हम कैसे रीड करते हैं वो उनकी रीडिंग भी करनी है और साथ में उनके नंबर नेम्स भी राइट करने हैं। ओके, और आपका होमवर्क मुझे ग्रुप पे सेंड करना है। बाय।